नमस्ते। आज हम एक और एग्जिम्प्रिन्योर में ललित अग्रवाल जी को लेके आए हैं, जो है जयपुर से। और ये एक अलग प्रकार का आज एग्जिम्प्रिन्योर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंटरप्रेन्योर। इसमें हमारे ललित जी ने जयपुर में इंपोर्ट किया है, तो आज हमारे ललित जी हमें इंपोर्ट के बारे में सारी बातें बताएंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ललित जी का मैं देना चाहती हूँ। पहले शुरू करने से पहले, ललित जी ने करीबन 1.5 साल पहले IIIM से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोर्स किया है। उनको उनके फादर बिजनेस में थे, उनका रिटेल का बिजनेस जयपुर में ही, डोमेस्टिक लोकल मतलब इंडिया में ही इनका बिजनेस था। और इन्होंने फादर को ज्वाइन किया था, पर वो जैसे कोई भी एक बिजनेस में एक दौर आता है कि जहाँ पे वो फ्लैट हो जाता है, तो ललित जी ने ऐसा सोचा कि वो कुछ और इसमें ऐड करते हैं ये बिजनेस में, और उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में लेके गए। और आज वो इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनका जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो अच्छी तरह से चले, नंबर एक। नंबर दो है कि ललित जी बीकॉम पास हुए हैं, जयपुर में रह रहे हैं, और आज उन्होंने हमारे पास आते आते उन्होंने 8-10 कंटेनर्स का इंपोर्ट करके रखा है। तो इनके पास से हमें बहुत सारी इंपोर्ट की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आई वेलकम ललित जी ऑन IIIM's एग्जिम्प्रिन्योर शो। वेलकम ललित। थैंक यू मैडम। आए, नमस्ते। आप हमें अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे के आप शुरू करें। मैडम, जयपुर से हूँ, ललित कुमार अग्रवाल। हमारे ड्राई फ्रूट्स का ही काम है शुरू से, और फादर शुरू से ड्राई फ्रूट्स का ही काम करते थे, तो हमने इसी ड्राई फ्रूट्स के काम को आगे मतलब बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने ज्वाइन किया जब ऐसा लगा कि अपने को इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करके अपने को थोड़ा और इसको अपग्रेड करना चाहिए, और अपग्रेड करने का सोचा जब मैंने कई जगह ट्राई किया लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैंने ऑनलाइन ये IIIM के बारे में पढ़ा, फिर उसमें सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी एक अच्छा, अपने बिजनेस को ही ग्रोथ कर सकते हैं अपन। फिर मैंने और IIIM की जैसे और भी 2-3 थे, लेकिन वहां पे मेरे को इतना ऐसा फील नहीं आया। फिर मैं 2-3 जगह से बात करा, फिर मेरे को ऐसा लगा कि IIIM, फिर मैंने कोर्स किया वहां पे, कोर्स करके फिर मैंने उनको जैसे ज्वाइन किया। फिर जो भी मेरे मन के सवाल थे, जो भी मेरे मन के क्वेश्चन आंसर जो भी थे ना, वो मेरे को सब क्लियर हुआ वहां पे। और बिजनेस का मेरे को अलग शेड्यूल चेंज करने का जो मैंने सोचा दिमाग में, वो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ भाई, मैं कुछ इसमें परिवर्तन कर सकता हूँ। तो उसको परिवर्तन करने के लिए मैंने फिर जैसे इसको कोर्स को पढ़ा, आगे उसके बारे में सर्च किया। तो फिर मैंने शुरू में ये सोचा कि अभी एक बार जैसे हमारा ड्राई फ्रूट्स का ही काम है, इसी को इंपोर्ट का काम को रेगुलर इसी को ही बढ़ाते हैं आगे। जैसे फिर मैंने कांटेक्ट किए, कांटेक्ट करने से मेरे को कई कांटेक्ट्स मिले, और IIIM से भी मेरे को कोई जो भी हेल्प चाहिए थी, मेरे को कोई चीज नहीं समझ में आई वो मेरे को बताई उन्होंने। फिर उसके बाद मैंने आगे जैसे आगे बढ़ा, तो जैसे कोई बीच में कोई जैसे शिपिंग रिलेशन कोई समस्या आई, उसको भी मैंने उनको शेयर किया, तो उन्होंने मेरे को हेल्प की, तो उस हेल्प से मेरा इंपोर्ट सक्सेस हो गया। एक बार इंपोर्ट सक्सेस होने के बाद मैं दोबारा उसको क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाया, और अब मैं रेगुलर इंपोर्ट कर रहा हूँ। कर रहे हैं, वेरी गुड। ललित जी, आप हमें ये बताइए कि आपने अपने फादर के बिजनेस को एक थ्रस्ट देने के लिए, एक पुश देने के लिए, एक नया एंगल देने के लिए, एक नया मोड देने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप आए, पर आपको ये जो ड्राई फ्रूट का बिजनेस था, तो वो ड्राई फ्रूट कहाँ से इंपोर्ट आप करेंगे, कौन सी कंट्री से इंपोर्ट आप करेंगे, वो कैसे पता चला? ड्राई फ्रूट्स के बारे में जैसे ऑलरेडी हमको नोन रहता है, जैसे 4-5 आइटम मैंने जो अभी इम्पोर्ट किए हैं वो ऑलरेडी जैसे अफगानिस्तान से आता है, तो मैंने वहाँ के बारे में सर्च किया, वहाँ के बारे में थोड़ा ये इंडियन एम्बेसी की भी मदद ली उसके अंदर, और जैसे जानकारी लेके उसको जैसे जैसे आगे कंटिन्यू करता गया, तो मेरे को 2-4 कॉन्टेक्ट बने। फिर मैंने हेल्प ली किसी की, और जैसे कोई मिलने वाला था उससे हेल्प लेकर उसको इम्पोर्ट को एक बार चालू किया, और वैसे ही उसी को आगे बढ़ाया।
ललित जी, आपने अपने फादर की कंपनी का नाम में ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लिया या आपने एक नई कंपनी खोली? नहीं, उसी फादर के मदर के नाम से भी कंपनी है, उसी नाम को मैंने आगे बढ़ाया है। प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, कैसी कंपनी है वो? प्रोप्राइटरशिप कर्म फर्म है। प्रोप्राइटरशिप, क्या नाम है आपकी कंपनी का? दिव्यांशी एंटरप्राइजेज। दिव्यांशी एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइज दिव्यांशी। दिव्यांशी, और आपने उसकी वेबसाइट रखी है? हाँ, वेबसाइट बना रखी है www.divyanshiexim.com। divyanshiexim.com। जी जी जी। और मेरी जब बातचीत हो रही थी ललित जी के साथ ये इंटरव्यू से पहले, तो ललित जी ने मुझे बताया कि उन्होंने कोई एक चैनल छोड़ी नहीं है सप्लायर का कॉन्टैक्ट करने के लिए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो लोकल मैन्युफैक्चरर, लोकल होलसेलर्स, लोकल सप्लायर्स हो, वो कहाँ से माल लाते हैं, ये सारी जानकारी उन्होंने पहले से ले ली। एक इनका फायदा ये था कि इन्होंने इंपोर्ट करने का सोचा, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट नॉलेज ऑलरेडी था और उनको पता था कि ये अफगानिस्तान से इंपोर्ट ज्यादा होता है, जो इनकी ड्राई फ्रूट प्रोडक्ट्स थी। तो कोई भी एक चैनल आप छोड़े ना, ऐसा हमारा आप सबको कहने का है, चाहे वो आप एक्सपोर्ट में जाएं, चाहे इंपोर्ट में जाएं, कोई भी एक बायर या सप्लायर को कॉन्टेक्ट करने की एक भी जरिया छोड़े ना, सब जरिए आप ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं से आपको बहुत अच्छी तरह से। आज ललित जी ने अफगानिस्तान से करीबन 8-10 कितने कंटेनर लिए आपने ललित जी? मैडम 8-10 के करीबन। 8-10 से करीब पहला इन्होंने इंपोर्ट किया, उसके बाद उनका बिजनेस जमने लगा। पहली बार थोड़ा सा डर सा था इनके दिल में, क्या होगा, कैसे होगा। कहां से आपका पोर्ट, कहां से सप्लायर, कहां से है आपका? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से कहां से? काबुल से। काबुल से भी है, कंधार से भी है। तो कंधार से वो लोग कैसे भेजते हैं आपको? कंधार से चाबहार पोर्ट है, ये चाबहार पोर्ट से माल जाता है, फिर चाबहार से अपने इंडिया नावा शेवा पोर्ट है बॉम्बे पे। अच्छा, वहां से आता है। कंधार या फिर काबुल से चाबहार पोर्ट जाता है, चाबहार पोर्ट से फिर इंडिया आता है, नावा शेवा पे इनका माल आता है। और सीएचए नावा शेवा के हैं, वो सीएचए माल छुड़वा के, इंपोर्ट भरवा के, जो भी करना है प्रोसीजर करवा के, फिर ये इनको ट्रांसपोर्ट में जयपुर भेज देते हैं। दिस इज द प्रोसेस। अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने सबसे पहले सारे रजिस्ट्रेशन किए, ये रजिस्ट्रेशन जब आपने किए तो उसमें आपने कौन से रजिस्ट्रेशन आपने किए? पहले तो आईसी लिया होगा। सबसे पहले आईसी लिया, फिर क्या लिया? फिर उसके बाद एडी कोड का बैंक में ले जाके रजिस्ट्रेशन कराया। एडी कोड लेटर, क्या कौन से? एडी कोड लेटर। हाँ ठीक है, वो तो आप आपको कस्टम में देने के लिए, पर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कौन सा करवाया? रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मैडम जीएसटी रजिस्ट्रेशन फर्म का था ही, जीएसटी का था, फिर और क्या नाम है, फसाई का वो ले लिया। FSSAI, FFSI का कौन सा आपने लाइसेंस? सेंट्रल लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस होता है, सेंट्रल लाइसेंस लिया। यस, कितने लगे वो सेंट्रल लाइसेंस लेने के लिए आपको पैसे? फीस तो 7,500 रुपए है, 7,500 रुपए तो फीस है, 7,500। और कितने साल के लिए है? एक साल का, 7.5 साल, और एक साल के बाद रिन्यू करना है। जिस किसी को भी इंपोर्ट करना है फूड आइटम में, जैसे आप अपेड़ा में एक्सपोर्ट के लिए रजिस्टर करते हो, चाहे एक्सपोर्ट करे या इंपोर्ट करे, फूड आइटम है, आपको FSSAI का सेंट्रल, मतलब एक्सपोर्ट का या इंपोर्ट का अलग से मिलता है, ये आप सेंट्रल लाइसेंस ले सकते हैं। इसके बिना आपका इंपोर्ट नहीं होगा। और आप कैसे वहां से मंगवाते हैं, पैकिंग वगैरह कैसे करते हैं? आपने कुछ हमें फोटो दिखाए हैं, राइट? तो वो हम दिखाएंगे बाद में। कैसे आप वहां से, कौन से पैकिंग में आप मंगवाते हैं? मैडम 10 kg बॉक्स पैकिंग में आता है एक तो, और एक 16 kg बॉक्स पैकिंग में आता है, और उसके अंदर जैसे रेजिन्स वगैरह होती है उनका सबका 250 ग्राम पाउच पैकिंग आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और लूज में, जैसे मैंने एक लूज का भी आपको फोटो डाला है, वो लूज आता है 10 kg जो ड्राई फिक्स होता जैसे है। जैसे आप चाहें वैसे मंगवा सकते हैं। वहां से ये ड्राई फ्रूट्स, पहले आप कौन से ड्राई फ्रूट्स मंगवाते हैं ये हमें लिस्ट दीजिए आप पहले। जैसे एक तो ड्राई फिक्स हुआ, उसको अंजीर कहते हैं, अंजीर। हाँ, एक हुआ ब्लैक रेजिन्स हुआ।
किशमिश हुई, काली किशमिश और हाँ, ग्रीन किशमिश, काली किशमिश ग्रीन किशमिश हाँ, और एक गोल्डन रेजिन्स आता है विद सीड, मतलब गोल्डन उसको मुनक्का कहते हैं। किशमिश आती है जो उसके अंदर सीड वाली आती है, हाँ, तो वो मुनक्का भी कहते हैं इंडियन भाषा मुनक्का। हाँ, और एक जर्दालू है एप्रिकोट, ड्राई एप्रिकोट जर्दालू है, वो भी आप मंगवाते हैं। ये पांच चीजें बारी बारी मिक्स में या अलग अलग मंगवाते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होता है, जैसी रिक्वायरमेंट लोकल डिमांड है वैसे फिर वो वहां से इम्पोर्ट करते हैं। क्या आपको सस्ता पड़ता है, क्या मुनाफा मिलता है अफगानिस्तान से आप ड्राई फ्रूट्स मंगवाते हैं तो? मैडम मुनाफा तो है ही, अगर आप इतनी दूर से अगर माल मंगा रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, तो 2-3% का तो कम से कम मुनाफा हो जाता है ऑल ओवर मिला। 2-3%? हाँ 2-3% मैडम, अगर आप परसेंटेज ज्यादा रखेंगे तो आप कंटेनर में खपत नहीं कर सकते हैं, फिर कंटेनर नहीं बेच सकते हैं आप। एक बार कंटेनर मंगाएंगे पूरा साल बेचना पड़ेगा फिर उसको। अच्छा, तो ये आपका कंटेनर ही किसी कोई और ले लेता है? नहीं नहीं कंटेनर नहीं लेता है तो? मतलब उसमें जैसे कंटेनर में जैसे 2000 बॉक्स के करीबन आते हैं, तो 2000 बॉक्स में किसी को 50 बॉक्स घी दिया, किसी को 20 बॉक्स दिया, अच्छा, किसी अच्छा, को 100 बॉक्स दिया, ऐसे। तो आप भी एक होलसेलर के तरीके से काम करते हाँ, हैं, हाँ, होलसेलर के? ओके ओके ओके, मैंने मेरा जैसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट कर रखा है, जैसे मैं किसी भी कस्टमर को 300 kg से कम नहीं दूंगा। नहीं देता है, ठीक है। हाँ, आप लोकली ऐसा आपने सेट किया हाँ, है? सेट कर अच्छा, रखा है। आपका एक ही सप्लायर है या कोई दूसरा भी है? नहीं, सप्लायर 4-5 सप्लायर हैं। अच्छा, चार पांच सप्लायर हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और आप उनको क्या देते हैं, परचेज ऑर्डर देते हैं आप हर बार जब मंगवाना है तो? हाँ परचेज ऑर्डर देते हैं, जैसे जैसे वो माल का मेरे को फोटो वगैरह वो प्रोवाइड कराते हैं, उस हिसाब से जिसका मेरे को पसंद आता है उसका okay. मैं उसको ऑर्डर देता हूँ उस हिसाब से। और फिर आप पेमेंट टर्म्स कैसे रखते हैं आप? पेमेंट टर्म्स मैडम लगभग लगभग 90% तो 100% एडवांस रहता है। ओके okay. और फिर जैसे जैसे आप टर्म्स बढ़ते जाते हैं उसके बाद जैसे पोर्ट पर माल आ जाता है जब तक अपन को थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, तो okay. उससे अपन को ये हो जाता है कि अपना माल आ चुका है इंडिया में और उसके आसपास अपन को पेमेंट देना पड़ता है, तो वो अभी कोई ऐसा वेरी गुड नहीं है कि मेरे को अभी पेमेंट पहले देना पड़ेगा। पर अभी तक तो आपका अच्छा रिश्ता बन चुका है अपने सप्लायर के साथ, इतने सारे आपने कंटेनर्स मांगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं जी, होती है जी। कोई खराब माल आ गया, कोई फ्रॉड नहीं, हुआ? नहीं, अभी तक आज तक तो ऐसा हुआ नहीं आज अभी तक कोई नहीं हुआ हाँ। है, वेरी गुड वेरी गुड। और एक चीज हमें बताइए कि आप वहां से 20 फीट कंटेनर मंगवा रहे हैं, 40 फीट कंटेनर मंगवा रहे हैं या रीफर कंटेनर, क्या मंगवाते हैं? नहीं रेफर कंटेनर आता है, 80% तो रेफर कंटेनर आता है 40 फीट वाला, 40 फीट वाला, क्योंकि उसके अंदर क्या नाम है जैसे 40 फीट वाला मंगवाते हैं ना उसमें जैसे कार्टून बॉक्स वगैरह है ना वो जगह ज्यादा घेरता है ओके okay. और उसके अंदर जैसे बॉक्स के अंदर भी बॉक्स आते हैं ओके okay. तो इस कारण वो माल तो आता है 23-24 टन लेकिन वो कंटेनर पूरा 40 टन का रेफर वाला वैसे भी छोटा होता है ओके okay. 40 फीट वाला ओके okay. टेम्परेचर तो, क्या रखते हो रिफर का? टेम्परेचर होता है 7 से 10 डिग्री ओके okay. और अगर ठंड की सीजन हो तो? ठंड की सीजन हो तो कोई जरूरी नहीं कि आप रेफर कंटेनर मंगाए आप okay. जैसे अभी जो ये सीजन चल रहा है कि बिना रेफर कंटेनर भी आप मंगवा सकते हैं ओके okay. और एक कंटेनर का जो आप मंगवाते हो वहां से तो उसका इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना पड़ता है? समझ लीजिए आपने रिफर कंटेनर 40 फीट का मंगवाया तो एक रीफर कंटेनर 40 फीट का मिक्स सारे मंगवाए आपने तो कितना आपको एक कंटेनर का देना पड़ता है? मैडम वो आइटम पे डिपेंड करता है, जैसे अगर रेजिन्स वगैरह होता है तो अबाउट 60 lakh rupees के करीबन होता है, और अगर यही चीज अगर फिक्स वगैरह होता है अंजीर वगैरह ये होता है वो कॉस्टली आइटम आते हैं तो उनका अबाउट 90 lakh या 1 crore के करीबन पेमेंट देना पड़ता है ओके okay. 40 feet का ओके okay. तो आपको ये एडवांस में देना होता है और आप फिर इसको यहाँ लोकली बेचोगे तब आपको आपका मुनाफा छूटेगा। ऑल राइट ये डॉक्यूमेंट्स आपको कब मिलते हैं इम्पोर्टर सप्लायर से? जैसे वो इन माल को भेजते हैं, अभी पहले तो क्या सिस्टम था जैसे मैं माल मंगवाता था तो उनको पहले ऑर्डर देना पड़ता था, ऑर्डर देके वो जैसे ही मेरे को इनवॉइस बनाते तो मेरे को हाथों हाथ पेमेंट करना पड़ता था और वो माल लगभग 15 से 20 दिन में निकलता था
और मेरे पास आते आते 1 महीना हो जाता था उसको, और अभी जैसे माल मेरा निकल जाता है वहां पे आ जाता है, और फिर माल को 10 दिन लगता है मेरे पास आने के, क्लियर होने में टाइम लगता है 4-5 दिन, 6 दिन या 7 दिन भी लग जाता है कई बार, तो वहां से आने में अब 15 दिन का प्रोसेस हो गया। ओके, तो थोड़ा सा आपको अभी कॉन्फिडेंस भी आ गया है और प्रोसेस भी बड़ी स्मूथ हो गई है। जी जी जी, वो नॉलेज हो गया कि अपन को कहाँ कैसे करना है, किसको पेमेंट करना है, वो थोड़ा आइडिया हो गया उसके अंदर। आपको अफगानिस्तान में इंपोर्ट ड्यूटी कितनी भरनी पड़ती है? मैडम अफगानिस्तान में इंपोर्ट ड्यूटी जैसे अपने अफगानिस्तान से माल आता है तो नवा शेवा में इंपोर्ट ड्यूटी आप भरते हैं, इंपोर्ट कितनी होती है आपके ड्राई फ्रूट्स के लिए? वहाँ पे कस्टम जैसे वो डिसाइड करते हैं खुद के हिसाब से कि उन्होंने एक प्रारूप बना रखा है, जैसे इस आइटम पे इतना, आप चाहे कितने का ही हो वो इतना रुपए का जीएसटी और ड्यूटी लगेगा, तो वो इतना लगेगा फिक्स कर रखा है उन्होंने। ओके, कि आप सपोज करो अगर कोई गलत काम करना चाहे तो नहीं कर सकता, एकदम बढ़िया काम है और उसका एकदम एक नंबर का बहुत क्लियर है। पर आपने मंगवाई तो करीबन करीबन अप्रोक्सीमेटली आपको करीबन करीबन एक कंटेनर का कम से कम, जैसे वो फिक्स वाला कंटेनर मंगाता हूँ तो उसमें लगभग 15-20 लाख रुपए का ड्यूटी लगता है, और अगर रेजिन्स का आता है तो उसमें 10-12 लाख रुपए का लगता है। अब ये साप्ता का सर्टिफिकेट अफगानिस्तान आपको देता होगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन साप्ता का देता होगा तो आपको कम ड्यूटी लगती होगी। हाँ कम ड्यूटी भी लगती है, कई चीजें ड्यूटी फ्री भी है। ड्यूटी फ्री भी है, जैसे कौन सी चीजें ड्यूटी फ्री है? ड्यूटी फ्री है जैसे रेजिन्स वगैरह हो गई। ओके, वेरी गुड। हाँ और मैडम कुछ उन्होंने ऐसा प्रारूप बना रखे हैं जिसको जैसे वो कस्टम वाले होते हैं वो खुद के हिसाब से वो करके रखते हैं, उसका मैंने अभी इतना विशेष अध्ययन भी नहीं किया है। ओके, और आप ये अंजीर जर्दालू वगैरह मंगवाते हैं जैसे कि एप्रिकॉट्स, फिग्स, जैसे आपने रेजिन्स वगैरह बोला, अब ये चीजें अगर कोई अफगानिस्तान के कंपटीटर कौन सा कंट्री है जहां से आप मंगवाए तो आपको सस्ता पड़ेगा? नहीं मैडम अभी तक जैसे हमको बिजनेस करते हुए भी फादर वगैरह को 25-30 साल से यही देख रहा हूँ इसी ओरिजिन का आता है और इसी ओरिजिन का 95% 98% यही दिखता है। इसके करीबन एक टर्की है, टर्की देश है, वहां से भी ये आइटम्स आते हैं लेकिन अपने इंडिया में उसका केवल 2-5% से ज्यादा खपत नहीं है उसका। अच्छा, हमारे रिलेशंस अफगानिस्तान से थोड़े अच्छे हैं इसकी वजह से, और साप्ता के हिसाब से आपको सस्ते में ये चीजें मिलती हैं, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह के हिसाब से देखा जाए तो अच्छे से मिल जाती हैं आपको यहाँ से। ओके, और क्या क्या अफगानिस्तान से आप मंगवा सकते हैं? मैं मंगवाने के लिए जैसे अफगानिस्तान से एक बादाम भी आता है, आलमंड्स आते हैं, एक वहां से पिस्ता चियो जाते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स का एक प्रॉपर अपन मानते हैं ना, जैसे ड्राई फ्रूट्स के लिए सबसे बेस्ट जगह अपने इंडिया को जो पसंद है, इंडिया के लोगों को 98% इंडिया वो ही चीज खाता है, उसके अलावा अच्छा। 2% अदर कंट्री का कोई होगा, बाकी 98% वो ही अफगानिस्तान का ही चलता है, अफगानी खाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको आपके फादर के साथ ही आप बिजनेस में जुड़े हो, फादर डोमेस्टिक बिजनेस देख रहे हैं, आप इम्पोर्ट करके फादर को देते हो, फादर को कैसा लग रहा है ये मुनाफा, ये बिजनेस, ये इम्पोर्ट, और आपने जो नई चीजें उमेरी हैं, ऐड की हैं ये बिजनेस के अंदर, तो फादर को कैसा लग रहा है? मैडम वो ऑफिस लिए फादर को भी अच्छा ही लग रहा है, वो भी खुशी हैं और वो यही चाहते हैं कि सब यही चाहते हैं, हर माँ बाप यही चाहता है कि अपना बेटा आगे बढ़े और अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ करके लेके जाए, तो सब यही चाहते हैं। ओके, और आपका नाम आपको कैसे लग रहा है आपकी जयपुर के इंडस्ट्री में या जहां पर भी आपका माल जाता है, देवांशी एग्जिम का या देवांशी एंटरप्राइज का माल जहां पर भी जाता है इंडिया के अंदर, वो लोग आपको कैसे देखते हैं? मतलब आपके जो बायर्स हैं जो आपसे होलसेल में लेते हैं वो लोग आपको कैसे देखते हैं? मैम वो लोग ऐसे देखते हैं, मेरा बिजनेस का मॉड्यूल एक तो ये है, मैं जैसे इंडिया में किसी भी पार्टीज को कोई भी माल सेल कर रहा हूँ, पहले तो मैं किसी भी पार्टी को जानता नहीं हूँ, अननोन पार्टी है, सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया मैंने मेरा, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही मैं सबको कस्टमर को अननोन पार्टियों को मैं माल सेल कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिया में ही इंडिया में ही ऑनलाइन ऑनलाइन केवल ऑनलाइन जरिए
मैं ऑनलाइन पेमेंट उनसे एडवांस लेता हूँ और एडवांस लेने के बाद मैं मेरा माल उनको सप्लाई करता हूँ। तो वो लोग क्या मानते हैं आपका माल कैसी गुणवत्ता है, क्वालिटी क्या है? मैडम क्वालिटी का तो ऐसा है कि क्वालिटी तो बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि सामने वाले बंदे को अपन एडवांस पेमेंट देंगे तो वो माल भी भेजेगा नहीं भेजेगा। हाँ सही बात है। तो उसके लिए मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रखा है मेरा कि शुरू में मेरे पास जैसे कस्टमर्स के लिए मेरे को वेट करना पड़ता था, अभी मेरे को कस्टमर्स के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर मेरे पास ऑलरेडी जो जिनके एक बार दो बार पांच बार दस बार जिनका माल गया तो फिर वो माउथ पब्लिकेशन एक माउथ पब्लिसिटी एक ऐसी चीज है, उससे मेरे पास आज 1000 कस्टमर के करीबन मेरे पास ऑनलाइन है और जो मेरा होलसेल में माल लेते हैं। तो उनको आपको एडवांस में पेमेंट देने पे भरोसा कैसे आया सबसे पहली बार? उनको एडवांस पेमेंट देने पे भरोसा ये आया कि जैसे जैसे माउथ पब्लिसिटी होती है ना, आप उसको आज नहीं, केवल मैंने कभी किसी भी कस्टमर को मैं कॉल नहीं किया आज तक कि आप मेरा माल ले। मैंने केवल मेरा काम किया है ऑनलाइन, वो ऑनलाइन काम करता हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ उसको, वो रेगुलर करूंगा तो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर हैं जो साल भर से जुड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने मेरे को अभी तक पैसा नहीं दिया है, और लेकिन अभी कभी कोई 10 दिन पहले दिया है, कभी कोई 20 दिन पहले दिया है। सर्कल जैसे 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 ट्रस्ट का बनेगा ना, वैसे वो पार्टी पेमेंट छोड़ती है, पार्टी पेमेंट ऐसे नहीं छोड़ती है। तो आपको लोकल मतलब इंडिया से एडवांस पेमेंट नहीं मिलते? एडवांस पेमेंट अब मिल रहे हैं ना, जब ही तो मैं काम कर पा रहा हूँ। एडवांस पेमेंट लेने के लिए तो मेरे को शुरू में तकलीफ आया कि वो मेरे को जानते नहीं है। जो शुरू में तकलीफ आई अभी तो एडवांस पे ही आप अभी सारा एडवांस पेमेंट पे काम है और उनको आपके ऊपर भरोसा भी आ गया। उनको मेरे पर भरोसा भी आ गया। हाँ ओके वेरी गुड। तो आप तो ना कोई अफगानिस्तान से इम्पोर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर से आप ई कॉमर्स भी कर रहे हैं इंडिया के अंदर लोकली? हाँ ई कॉमर्स भी ऐसे कर रहा हूँ, जैसे क्या नाम है, फेसबुक है आपके, गूगल है, जैसे अगर कोई भी ऑनलाइन अगर किसी भी चीज से ड्राई फ्रूट्स का अगर इंडिया में कोई बिजनेस कर रहा है और अगर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ है हाँ, तो वो मेरी कंपनी का नाम या मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स उससे अनजान नहीं रह सकते। अच्छा, इस तरीके से इतना आपने फैला चुके हो आप? फैला चुका हूँ। जैसे कोई भी पार्टी होती है तो दूसरी बंदा एक जगह किसी भी पार्टी का माल जा रहा है, वो बोलता है यार ये तो दिव्यांश इंटरप्राइजेस का माल है, तो मतलब दूसरी पार्टी को भी ये पता है कि ये इस बंदे का माल है और ये वाला बंदे ने इस भाव में ये माल बेचा है। तो आप अपने बक्से वगैरह पॉलिथिन बैग जो भी जिसमें भी माल बेचते हो इंडिया के अंदर वो आप देवांशी एक्जिम के नाम से बेचते हो? नहीं 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 नहीं, मेरा एक्सपोर्टर पैकिंग आता है, कोई भी माल मेरे नाम से कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं? अच्छा, कोई भी नहीं है, बस मैं मेरी फर्म का जो मेरी कंपनी है उस कंपनी के नाम से मैं प्रमोशन करता हूँ, मेरे जो भी पोस्ट वगैरह करता हूँ सब कंपनी के नाम से करता हूँ। ये कंपनी का नाम देवांशी एंटरप्राइज? दिव्यांशी एंटरप्राइज। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे हमें ललित जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इम्पोर्ट किया और फिर यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप बिक्री कर रहे हैं, तो पापा का बिजनेस अलग है और आपका ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है। वो एक ही बिजनेस में है लेकिन वो क्या नाम है, मैं इसको अलग संभाल रहा हूँ, वो पापा अलग संभाल रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपने वेरी गुड, आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड विथ यू ललित जी, बहुत अच्छी बात है। अभी आगे का क्या सोचा है आपने? अभी मैडम जैसे 1.5 साल के करीबन, 1.25 साल के करीबन ये इम्पोर्ट करते हुए हो गया, एक्सपोर्ट भी मेरे को करना है, लेकिन क्या नाम है, एक्सपोर्ट के लिए मैं जैसे जैसे अब मेरे को टाइम शेड्यूल मिलेगा, मैं वापस IIIM की बुक्स वगैरह जो भी मेरा था वो वापस मैं डेस्क पे ले आया हूँ और हो सकता है 2 महीने 6 महीने मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे को कोई भी चीज अपने हिसाब की लगी और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो मेरी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। IIIM से कोई भी अगर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं जो भी बात करता हूँ, मेरे पर्सनल रिलेशन ऐसे हो चुके हैं यहाँ पे जयपुर में भी, जो मेरे को कोई भी बात के लिए कहीं पे हेल्प डेस्क में भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ उनसे, मेरे को इतना बिलीव है वहाँ पे। ओके सो आप बहुत खुश हैं IIIM के सपोर्ट से? जी मैडम। और आपको हेल्प डेस्क भी मिलती है, टेलीफोनिक सपोर्ट भी मिलता है और पर्सनली भी आप जा सकते हो? ओके वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज अमेजिंग। आप ललित जी, हमारे आजकल के जो नौजवान हैं जो बनना चाहते हैं एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे?
मैडम इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर की जैसे पढ़ाई करी मैंने, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना न तो कोई छोटी बात है न कोई बड़ी बात है, मतलब इसको करना न करना वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। मेरे को IIIM में जब मैंने कोर्स किया, जब उन्होंने सर ने मेरे को, एक सर थे वहां पे, नाम मेरे को याद नहीं है, 1.5 साल हो गया, उन्होंने मेरे को एक चीज, मतलब सभी स्टूडेंट्स को एक चीज बताई कि अगर आप जैसे सुबह उठते ही जैसे फेसबुक चेक करते हैं, अपने व्हाट्सएप चेक करते हैं, तो उसकी जगह जैसे वीडियो देखते हैं आप, उसमें और चीज टाइम खराब करते हैं, तो उसकी जगह आप अगर आप मोबाइल पे उस चीज पे ध्यान देंगे ना जिस चीज को आपको आगे करना है, जैसे इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, उन्होंने मेरे को ये चीज सिखाई, वो मेरे माइंड में आज तक है। उन्होंने ये बोला कि आप फालतू टीवी में, इसमें मोबाइल में जो टाइम खर्च कर रहे हैं, वो ही टाइम आप अपने जैसे उठते ही जैसे trademap.org हुआ, इंडियन पोर्टल हुआ, जैसे कई चीजें हैं, जैसे कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, कहाँ इंपोर्ट हो रहा है, अपन को क्या करना है, तो ये चीज में अगर आप टाइम खराब करो, मतलब टाइम अपना इन्वेस्ट करोगे, तो आपको जल्दी आपका काम हो जाएगा। वो ही मैंने उसी हिसाब से काम करा, और जैसे ही मैं कोर्स को मैंने मेरा खत्म हुआ, मेरा 1.5 महीने 2 महीने बाद ही मेरा इम्पोर्ट चालू हो गया था। इम्पोर्ट चालू हो गया। हाँ, और सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे को सर ने यही बताया, किसी को भी कहीं पे भी आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए जाने की जरूरत नहीं है। सब चीज मैंने, मेरा IC भी मैंने खुद ने बनाया, फसाई के लिए भी मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो जो डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने अपेडा का भी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, अपेडा जैसे शुरू में ये जैसे एक्सपोर्ट वगैरह के कागज तैयार किए, जैसे मैंने तो अपेडा का भी ले रखा है, ये सब चीज मैंने खुद ने ही बनाई है। तो अगर आदमी अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही सही बात बात है। है, मोबाइल है, मोबाइल में एक ऐसी चीज है, ये मतलब पूरी दुनिया है इसके अंदर आज। यस वेरी गुड। इसमें मोबाइल में क्या है, अगर आप इसको जिस तरीके से यूज में लेंगे, ये आपको जिस तरीके की चीज दिखाएगा। अब आप इसके अंदर टीवी देखेंगे या पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर दिखाएगा। आप कोई यस नॉलेज की चीज लेना चाहते हैं तो इसके अंदर नॉलेज इतना भरा पड़ा है कि आपके एक मोबाइल से, मैं आज केवल इस मोबाइल की वजह से मैं इम्पोर्ट करने में सक्सेस हुआ, क्योंकि मैंने मेरा सारा वेरी टाइम गुड इसी पे दिया है। ललित जी। मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको हर एक इंसान को जो चीज करनी है उसके ऊपर फोकस रखें। फोकस रखना है। जैसे सुबह उठ के हम ब्रश कर लेते हैं, या आपने अच्छा बोला कि आपके फैकल्टी ने बोला था कि व्हाट्सएप देख लेते हैं, टीवी चालू करके रख देते हैं, तो थोड़ा सा हम अपने बिजनेस के बारे में सुबह सुबह फ्रेश दिमाग से भी अगर थोड़ा सा ज्ञान ले ले तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा हुआ आपने ये कहा कि आपको आपने दोबारा से अभी एक्सपोर्ट करना है, तो आपने दोबारा से सारी किताबें बाहर निकाल ली हैं, सारी चीजें बाहर निकाल ली हैं कि चलो अभी मैं ये भी करूंगा। तो कोई इंसान अगर चाहता है तो ना कि कैसी भी एज हो, कैसा भी समय हो, पर आपने ये लॉकडाउन के दौरान आपने ये इम्पोर्ट किया, ये मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी मानूंगी। कि इंसान बोलते हैं नहीं नहीं चलो चालू है कि नहीं चालू है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चालू है कि नहीं चालू है, पर आपने तो इम्पोर्ट करके दिखाया ये लॉकडाउन के समय में भी। बहुत ही बढ़िया ललित जी, बहुत ही बढ़िया। आज आपका इम्पोर्ट के बारे में सुन के आपका जज्बा और इम्पोर्ट करने का जो आपका पूरा प्लानिंग और जो हौसला रहा है वो, उससे हम बहुत ही प्रभावित हुए हैं। और चाहती हूँ कि हमारे सारे दर्शकों को भी एक नई दिशा मिले इससे आगे बढ़ने की, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने की। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट एवर बिजनेस यू वांट टू डू। थैंक यू सो मच ललित जी, आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एंड आई थैंक यू आल्सो एवरीबॉडी फॉर बीइंग विथ अस ऑन द यूट्यूब चैनल। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी फोकस्ड वंस अगेन। एंड जय हिंद, जय भारत।